देखो फ्रेंड्स, बनाते वक्त तो हम नहीं शूट कर सके क्योंकि वक्त की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। और क्या देख रहे हो भैया? कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है रेस्टोरेंट स्टाइल। देखने में क्या लग रहा है? पी चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली है। और वक्त की कमी की वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर सके। वैसे खाने में ना एक नंबर जायकेदार, एकदम मस्त बना है। और हम विधि बताएंगे कि किस किस तरह से हमने इसे बनाया है आगे वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखना और अपने घर पे ट्राई करना एक बार ज़रूर। बहुत ही अच्छा, लजीज और जायकेदार, जूसी और मसाला कम है, एकदम मस्त बना है। देखो ये, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से, मतलब बहुत ही कम सामान से हमने बनाया है। हम जुगाड़ू इंसान है भैया। एकदम मस्त बना है। इतना इसमें इसमें हम निकाल के लेकर आए थे और सारी वगैरह सब देखिए एकदम सब चट कर गया और सारी कद रहा नहीं गया, फिर से इसने हाथ मार लिया। कैसा बना बताओ सारी? एकदम मस्त, मज़ेदार, एकदम मज़ेदार है, मस्त था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हाथ में जायका रखा है। डिलीशियस क्या जाना? अच्छा, लेकिन मालूम नहीं कि हम कितना भी अच्छा बना लेना, ऐसा कैसे जाबिर? अम्मा अच्छा कहती तो है। अरे भाई, कहती है अच्छा है, लेकिन एक बात है कि अम्मा को ये प्याज नहीं पसंद है। तो भैया, प्याज तो हर एक डिश में पड़ेगी। हाँ, कंपलसरी है। अम्मा को प्याज नहीं पसंद है, अम्मा को टमाटर नहीं पसंद है, तो इसके बिना कैसे हो सकता है? अम्मा को बादियान की खुशबू नहीं पसंद है, अम्मा को जावित्री की खुशबू नहीं पसंद है, इसलिए हम वो सब मसाला स्किप कर देते हैं जिसके आपके पापा को पसंद है, जिसके जिसके बगैर काम चल सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बगैर काम कैसे चलेगा भैया? तो इन्हें रखना तो कंपलसरी है, तो हम रखते हैं। अम्मा के लिए हमने बोटियां अलग से निकाल के रख ला, ला मुझे दो बोटियां, बोटियां शोटियां जल्दी से दो मौलवी। और ये मौलाना साहब को बहुत पसंद है। बोटियां शोटियां मुझे दो जल्दी से। तो फ्रेंड्स, कभी अपने घर पे ट्राई करके देखना, बहुत ही मस्त बना है, एकदम जायकेदार, लजीज, अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखो, बात कुछ यूं है कि हमें चम्मच से खाने की आदत नहीं अच्छा है। अच्छा, सुनो, आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात ये है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं, किस लिए? खाना खाने के लिए ना, कि चम्मच चलाने के लिए। देखो माशाल्लाह, देखो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज्यादा खा ली है, बहुत देर से खा रहा हूँ, कसम से पूरा मैंने हिसाब किया अकेले। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम आपको रेसिपी बता देंगे, वहाँ से आप अपने घर पे ट्राई करना, एकदम मस्त और बढ़िया और मज़ेदार, जायकेदार, लजीज बनेगा। और दुआ में रखना हमें याद, और वीडियो को करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना, और हमें दीजिए इजाज़त। चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, खुदा हाफिज़।
तो हाँ जी, यहाँ पर रेसिपी हाजिर है कि हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर हमने लिया आधा किलो चिकन, जिसे हमने नमक डाल के रख लिया। सिरका हमारे पास नहीं था, उसे हमने अवॉइड किया। और यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर, मसाला वगैरह रखा है। और यहाँ पर मसाला को हमने मिक्स कर लिया एक दूसरे को, मतलब चने का बेसन है और आटा, गेहूँ का आटा डाल के फिर इसको अच्छी तरह से तल लिया है। फिर अंडा डालना नहीं भूलना है। उसके बाद हमने इसे फ्राई करने के बाद, अगर आपके पास लहसुन है तो उससे बघार देकर और शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह सब प्याज व्याज डाल के फ्राई कर लेना है इसे। फिर इसे इसी में मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ऊपर से, और खाने के लिए पेश करना है। बहुत ही अच्छा लजीज जायकेदार रेसिपी आपकी तैयार है, खाने के लिए हाजिर है। ठीक है।